तो अपनात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज्यादा रहेगी, तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे पुस्तक बांटने को, तो वहां कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे डड़े डोड़, कुंभ का बेड़ा था। अब वो जहां आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट हो था और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहां कहां हम गए और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम से, मालिक में उसका ज्ञान उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते मेला ठेला जाइयो मेले बड़ा मिलाप है, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाता, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं, वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते वो जगन्नाथ वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है, तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही 68 तीर्थ का फल पाही, तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल जाए, और फिर और जगह तक के क्यों खाते हंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना, कोटि यज्ञ अश्वमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही, धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या, जिन जान्या ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, ही तिनकी छूटत है नहीं खानी, अब 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डृतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी द्वादश करें, एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई, अठें सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी, कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता, करे कढ़ाही लपसी नारी, बूढ़े वंशदा समेत घर बारी, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने, कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं, करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी और घर पर उसका शव आया टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जावे जावेंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी पांच चार बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्सर ज्ञान माई होती वे बहन वह सुनाया करती,
या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने, कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी, पक्की गदी बनेगी नो कह परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि ये शास्त्र विद साधना है।